हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर सक्सेस। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू द एमसीक्यू ऑफ 19th of June 2017। सब्सक्राइब कीजिए जीके फॉर सक्सेस चैनल को डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, और आपको सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि 19th of June को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार इस डे की थीम है प्रिवेंटिंग सेक्सुअल वायलेंस क्राइम्स थ्रू जस्टिस एंड डिटरेंस। तो चलिए आज के एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च हर हाथ एक किताब कैंपेन इन पार्टनरशिप विद द नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया। करेक्ट आंसर इज स्नैपडील। स्नैपडील ने इंडिया के नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ मिलकर हर हाथ एक किताब कैंपेन को लॉन्च किया है, और यह कैंपेन एक नेशन वाइड ऑनलाइन बुक्स डोनेशन प्रोग्राम है। और इस कैंपेन के लिए स्नैपडील के इनिशिएटिव स्नैपडील सनशाइन ने नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ टाइप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंग क्यूंग वा हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। करेक्ट आंसर इज साउथ कोरिया। कैंग क्यूंग वा फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर बनी है साउथ कोरिया की। और आपको ध्यान रखना है कि साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हैज रोप्ड इन विच बॉलीवुड एक्टर टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करेक्ट आंसर इज अमिताभ बच्चन। गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को सेलेक्ट किया है, और इसके पहले बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एम्बेसडर थी जीएसटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली bankbazaar.com हैज ओपन्ड इट्स ऑफिस इन विच कंट्री टू इंक्रीज इट्स प्रेजेंस इन साउथ ईस्ट एशिया। करेक्ट आंसर इज मलेशिया। साउथ ईस्ट एशिया में अपनी प्रेजेंस को एनहेंस करने के लिए bankbazaar.com ने मलेशिया में अपना ऑफिस ओपन किया है, और बैंक बाजार ने फॉर्मर वीजा एम्प्लॉय विपिन कालरा को अपॉइंट किया है, जो बैंक बाजार के बिजनेस ग्रोथ को इंटरनेशनली लीड करेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और करेंसी है रिंगिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज वन द ब्रिटेन्स मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज फॉर पॉलिटिकल राइटिंग ओरवेल प्राइज 2017। करेक्ट आंसर इज जॉन ब्यू। जॉन ब्यू को पॉलिटिकल राइटिंग के लिए ओरवेल प्राइज मिला है, जो कि ब्रिटेन का मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज है, और ये प्राइज उनको मिला है उनकी बायोग्राफी सिटीजन क्लेम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहप इंडिया हैज लॉन्च फेलोशिप प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद विच यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। करेक्ट आंसर इज यूनेस्को। इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए साहप इंडिया ने यूनेस्को के साथ मिलकर एक फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बिल्डिंग हैज बिकम द फर्स्ट बिल्डिंग इन इंडिया टू गेट ट्रेडमार्क। करेक्ट आंसर इज ताज पैलेस। ताज पैलेस इंडिया में फर्स्ट बिल्डिंग बन गई है जिसको ट्रेडमार्क मिला है, और ये सिचुएटेड है मुंबई में। और ताज पैलेस 114 ईयर्स ओल्ड है, और इसको बनाया गया था 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंजलि श्रीवास्तव हैज पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज। करेक्ट आंसर इज एक्ट्रेस। अंजलि श्रीवास्तव, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक फेमस भोजपुरी एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी हैज टाइड अप विद टाटा एडवांस सिस्टम टू मेक F-16 प्लेन्स इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज लॉकहीड मार्टिन। इंडिया में F-16 प्लेन्स बनाने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ टाइप किया है, और आपको ध्यान रखना है कि लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज लॉन्च सेलिब्रेटिंग योगा ऐप टू इनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन योगा फॉर अ साइंटिफिकली हेल्थी लिविंग। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर हर्षवर्धन। साइंटिफिकली हेल्थी लिविंग के लिए पीपल्स को योगा से कनेक्ट करने के लिए सेलिब्रेटिंग योगा ऐप को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, और इस ऐप को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। और आपको ध्यान रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टाइड अप विद फिनोवा कैपिटल टू प्रोवाइड इंश्योरेंस सर्विसेज। करेक्ट आंसर इज ICICI लोम्बार्ड। इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फिनोवा कैपिटल के साथ टाइप किया है ICICI लोम्बार्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हू हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट अफगानिस्तान इंडिया एयर कॉरिडोर एट द काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अफगानिस्तान. करेक्ट आंसर इज अशरफ घनी. अशरफ घनी ने फर्स्ट अफगानिस्तान इंडिया एयर कॉरिडोर को अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इनॉग्रेट किया है. और आपको ध्यान रखना है कि अशरफ घनी प्रेसिडेंट हैं अफगानिस्तान के. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया ऑन द बर्थ सेंटेनरी ऑफ. करेक्ट आंसर इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ सेंटेनरी पर नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ बिड टू इंक्रीज एनर्जी सेविंग्स बाय कमर्शियल बिल्डिंग्स मिनिस्टर ऑफ पावर कोल माइंस एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पीयूष गोयल हैज लॉन्च द ईसीबीसी 2017. ईसीबीसी स्टैंड्स फॉर. करेक्ट आंसर इज एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड. पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर हैं पावर कोल माइंस एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग्स के द्वारा एनर्जी सेविंग्स को इंक्रीज करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 को लॉन्च किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ योगा विल बी हेल्ड इन विच कंट्री आफ्टर इंडिया. करेक्ट आंसर इज चाइना. इंडिया के बाद वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट योगा सेलिब्रेशन चाइना में होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 65.6 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड बाय द एंड ऑफ 2016. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएससीआर लोकेटेड. करेक्ट आंसर इज जेनेवा. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के अकॉर्डिंग 65.6 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिस्प्लेस्ड हुए हैं 2016 के एंड तक. और आपको ध्यान रखना है कि यूएनएससीआर का हेडक्वार्टर है जेनेवा में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन द वुमेन्स सिंगल टाइटल ऑफ इंडोनेशिया ओपन ऑफ बैडमिंटन. करेक्ट आंसर इज सायाका सातो. बैडमिंटन के इंडोनेशिया ओपन में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है सायाका सातो ने. और आपको ध्यान रखना है कि सायाका सातो एक जापानीज प्लेयर हैं और इन्होंने डिफीट किया है सुंग जी ह्यू को. और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज आपको ध्यान में रखना है. ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंसमेंट किया है कि इंडियंस विजिटर वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2017 से. और मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसको मंगलयान के नाम से भी जानते हैं उसने 1000 डेज कंप्लीट किए हैं ऑर्बिट में. और स्वामी आत्मास्थानंदा जो कि प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मठ और मिशन के, उनका हाल ही में निधन हुआ है. और ये आज का बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनाउंसिंग द फॉरन ट्रेड पॉलिसी. करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. आपको ध्यान रखना है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अनाउंसमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और ये आज का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है. बगलिहार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. आपको ध्यान रखना है कि बगलिहार डैम जम्मू एंड कश्मीर में है और इसको बनाया गया है चेनाब रिवर पर. और ये आज का कंप्यूटर अवेयरनेस का क्वेश्चन है. विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन सीडी. करेक्ट आंसर इज लेजर. आपको ध्यान रखना है कि सीडी में लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है और सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क. सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स. प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.